पर ऐसे मैंने उनको कभी पूछा नहीं कि आप प्लीज मेरी मदद करो, या उन्होंने ऐसे नहीं कहा दैट वील हेल्प यू। सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, जो आसपास लोग डालते कि नहीं आपको आज कुछ पोस्ट करना है, आज स्टोरी करो, ये करो, वो करो, इस बात से कि वो सबसे इसकी सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सेट पे जाने से पहले वो हर दिन हमारे वैन में आते थे, हम वो एक पैप टॉप देते थे कि चलो आज हम करेंगे ऐसे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इज अ वेरी लविंग डायरेक्टर। रोहन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि काला की सक्सेस को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ ऑनेस्टली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को शो काफ़ी अच्छा लगा और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इस शो में आपका कैरेक्टर स्पेशली सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की, क्या कहेंगे उसके बारे में? विजय नामियार जी का आप कितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं? विजय नामियार जी को थैंक यू। आई थिंक ही इज रियली, यू नो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर दैट। क्रिटिक्स को भी आई वांट टू से अ बिग थैंक यू, क्योंकि दे हैव सेड सच नाइस थिंग्स, और वो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। 2018 से लेके अभी तक का सफर आप कैसे देख रहे हैं? आपने जर्नी, मैं इतना कहूँगी जर्नी रहा, बाजार से फिर 420 आईपीसी, फिर फोमो शॉट, सब काला। एक इस बात पे मुझे काफ़ी खुशी है कि चारों किरदार हैव बीन वेरी डिफरेंट, अलग अलग हैं, कुछ ऐसे मैंने सिमिलर नहीं किया। आपके एक जैसे आपने कहा कि चारों किरदार अलग अलग किरदार हैं आपके, तो इस शो के लिए जो भी मतलब कि हम देख रहे हैं, जैसे बाजार आपने की थी, बाजार के बाद इतना ज़्यादा मतलब कि लोगों ने आपको नोटिस नहीं किया कि क्या है कि अब काला में लोग ने नोटिस किया, तो ऐसा क्यों हुआ मतलब आपके हिसाब से? पता नहीं, आई थिंक बाजार के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल कि निखिल सर मुझे ये मौका दिया था बाजार में। पर आई थिंक बाजार में भी मुझे काफ़ी, अगर मैं कहूँ, ऑडियंस ने बहुत लव दिया बाजार को लेके। आज तक भी मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो मुझे रिजवान अहमद बताते, जो मेरा कैरेक्टर नाम रिजवान अहमद था, तो ऑडियंस का लव मुझे बाजार से बहुत मिला था। और अब काला को लेके आई थिंक एक रेफरेंस भी है कि इस एक्टर ने बाजार भी किया, अब ये देखो कि उसने ट्रांसफॉर्म कैसे किया काला ने, तो आई थिंक एक ग्रेजुअल इंक्रीज है। ये नहीं है कि सिर्फ काला के लिए मुझे प्रेज मिला और बाजार के लिए नहीं, या मुझे अभी काला के लिए ज़्यादा हुआ और बाजार के लिए नहीं। आई थिंक एक ग्राफ है ऑनेस्टली। फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कि देखते हैं कि मतलब लोगों ने जो हम हमेशा ये सुनते हैं कि मतलब कि बाहर के लोग आते हैं तो उन लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के हैं तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कॉन्टैक्ट आपको बनते हैं। बट हमने कहीं पे पढ़ा भी था कि मतलब कि आपने कहा कि मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तो क्या स्ट्रगल थी वो आप बताएंगे? नहीं, स्ट्रगल तो काफ़ी हुआ है। बाजार के बाद ही मैं ऐसे मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं शुरू से वापस शुरू कर रहा हूँ, जीरो से वापस शुरू कर रहा हूँ। सच ये है कि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी कम्पेटिटिव है, बाजार के बाद इंडस्ट्री भी चेंज हुआ। OTT एक प्लेटफॉर्म आया था, जो पहले हमारे पास सिर्फ फिल्म थे और टेलीविजन था। बाजार 2018-2019 के बाद नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स के बाद अमेजोन आया, फिर इतने अभी आज इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एक कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया उसके बाद। तो आई थिंक जो स्ट्रगल मेरा जो अभी उस वक्त था और आज भी है, इस वजह से है कि इंडस्ट्री काफ़ी कम्पेटिटिव है। और ये बुरी बात नहीं है ऑनेस्टली, मैं कहूँगा कि कंपटीशन ज़रूरी है, कंपटीशन अच्छी बात है कि अगर इतनी कंपटीशन है, बिकॉज दैट वे वी गेट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ ईच अदर, इतना कहूँगा। और मतलब विनोद मेहरा के बेटे होने का कुछ फ़ायदा मिला आपको कि क्या है उसके बारे में जानना चाहिए? फ़ायदा डेफिनेटली है कि मैं अपने पिताजी के बारे में और जान चुका हूँ, क्योंकि आई नेवर गॉट टू मीट हिम। तो एक पर्सनल जर्नी में बहुत मुझे एक फ़ायदा हुआ दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड हु माई फादर इज़, और वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल चीज़ है, एक बहुत इमोशनल बात है, और मुझे वो अच्छा लगा। पर काम को लेके ऑनेस्टली कहूँ तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ठीक है, मैं कहीं कहीं ये भी मानता हूँ कि मे बी दैट्स द वे माई लाइफ इज, मे बी दैट्स मेरा जर्नी भी वैसा ही है कि आई हैव टू मेक इट फॉर माई सेल्फ, और मैं इस बात में आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड की मैंने I made it for myself। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जैसे आपके फादर के कॉन्टैक्ट से, तो क्या उन्होंने आपकी कुछ शुरुआती दिनों में कुछ मदद की आपकी, क्या है? नहीं, ऐसे रेखा जी मतलब कि नहीं, आई मीन ऑनेस्टली अब क्या है ना सर,
जो मेरे मेरे फादर के जो 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 फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो एक पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ मैंने रखा है कि एक इंडस्ट्री को छोड़ के एक पर्सनल बात है, जो उनके उन फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं या उनके लाइफ के बारे में बात करते हैं, पर ऐसे मैंने उनको कभी पूछा नहीं कि आप प्लीज मेरी मदद करो, या उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि वील हेल्प यू। वो ठीक है, मैं वो एक्सपेक्टेशन मैंने रखा नहीं और मुझे आगे जाके रखना नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, और ये मेरा जर्नी और खुद का जर्नी, और मुझे अपने आप सब कुछ इस जर्नी पे जाना है। यंग एक्टर्स में आप किसको फॉलो करते हैं और आपके हिसाब से आपका आइडियल कौन है यंग एक्टर्स में? मुझे यंग एक्टर्स में विकी कौशल बहुत पसंद है, मुझे दुलकर सलमान बहुत पसंद है, फरहान अख्तर बहुत पसंद है। जी इन तीनों, मुझे उनका काम जो है, जैसे फरहान का जिस तरह से वो म्यूजिक भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक इंग्लिश में एक फ्रेज है रेनेसांस मैन, जो हर चीज़ करता है, वो मुझे फरहान की एक वो खासियत लगती है। दुलकर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, वो थ्रिलर जॉनर में इतनी कन्विंसिंग है, लव स्टोरी में भी इतनी कन्विंसिंग है, तो वो बहुत इंस्पायरिंग मेरे लिए एज एन एक्टर। विकी कौशल को लेकर आई थिंक ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट। सरदार उधम सिंह में जो उनका जो लास्ट हाफ एन आवर में जो परफॉर्मेंस था, जो जलियांवाला बाग का सीक्वेंस था, गूज़बम्प्स, मुझे आज भी गूज़बम्प्स होते हैं, इतना मतलब सिंसियर, इतना हार्ट फेल्ट है। काफ़ी अच्छा। आपकी जर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके एज एन एक्टर, तो आप किस हिसाब से अपने ग्राफ को देखते हैं और आपके हिसाब से और क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए आपके एक्टिंग में क्या है? 100% तो इम्प्रूवमेंट तो रहना चाहिए एवरीथिंग आई डू, कि मैं ऐसे कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे अब सब कुछ आता है या मुझे सब कुछ पता है। वो ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, आई थिंक फील कुछ भी हो, एक्टिंग हो, बिजनेस हो, वो ग्रोथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैंने अच्छा काम भी किया, मैं बहुत अपने आप पर बहुत क्रिटिकल हूँ, मैं देखता, मैं बार बार देखता हूँ उसको, मैं उसको इम्प्रूव कैसे करूँ, इसमें मैं इतने गलती क्या हुई, इसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे आ सकते हैं, तो आई एम क्वाइट क्रिटिकल ऑफ माई स्टफ। तो मुझे वो अच्छी बात भी और बुरी बात भी है, क्योंकि कभी कभी अपने आप को यू शुड सेलिब्रेट योर सेल्फ, और एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए अपने आप में, पर क्रिटिकल होना भी ज़रूरी है। मैं कहूँगा एक बैलेंस अगर कोई रख सके, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आपकी सर सोनिया मेहरा भी एक्टिंग में है, तो मतलब कि उनसे कभी कुछ एडवाइस दिया आपने कि क्या है कि क्या चीज़ है, जब उनको कुछ काम करता वो आपसे एडवाइस देती है, क्या है जी, क्या इक्वेशन है आप दोनों? मैं ये कहूँगा कि सोनिया का जो लाइफ का जो जर्नी है, बचपन से वो एक परफॉर्मर रही, शी इज ऑलवेज बिन अ परफॉर्मर, वेरी एक्सटर्नल, जैसे स्कूल के टैलेंट शो में हमेशा शू से टेक पार्ट, मैं कभी ऐसे था नहीं, मैं बहुत शायद था, बहुत रिजर्व था, मैं बिल्कुल परफॉर्मेंट नहीं था। तो सोनिया से मैंने ये सीखा हाउ टू बी अ परफॉर्मर, हाउ टू बी वेरी एक्सटर्नल, तो हाँ डेफिनेटली। वो सोशल मीडिया की बात की जाए तो आजकल जो है हर कोई सोशल मीडिया पे आता है, बट हम आपको उतना नहीं देख पाते हैं, मतलब कि आपको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया एक नेसेसिटी बन गई है एज एन एक्टर के लिए, मतलब कि हर किसी का एक सोशल मीडिया अकाउंट होता है, हर लोग कुछ ना कुछ जो भी कुछ करें तो लोग पोस्ट कर देते हैं उस चीज़ में, तो आपके हिसाब से कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये? देखिए एक खास बात सोशल मीडिया का खास बात ये है कि आप अपने फैंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मैं अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज़ करूँ कि मैं अपने फैंस के साथ कनेक्ट हो सकूँ और उनको कुछ मेरे अपडेट्स दूँ, आई थिंक वो आई लाइक दैट अबाउट इट। पर वो जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, जो आसपास लोग डालते कि नहीं आपको आज कुछ पोस्ट करना है, आज स्टोरी करो, ये करो, वो करो, इस बात से कि वो सबसे इसकी सोशल मीडिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक एक्टर हूँ और मेरा काम एक्टिंग है, जो कैमरा के आगे, फिल्म कैमरा के आगे हम करते हैं, और मुझे सोशल मीडिया, आई जस्ट वांट टू यूज़ इट कनेक्ट टू माय फैंस, प्रेशर नहीं चाहिए मुझे। OTT की बात की जाए तो अभी आपकी एक और सीरीज आने वाली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, अद्भुत करके, तो क्या तैयारी चल रही है उसकी और कैसा लग रहा है काम करके उनसे, क्योंकि वो एक अलग ही एक्टर हैं? तो जी एक्चुअली वो फिल्म है सोशल मीडिया सोशल OTT पे, अभी डिसाइड नहीं हो कि OTT पे या ओके okay. पर एक फिल्म है, तो नवाज सर के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिला, वो बहुत मैं इतना कहूँगा ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर, कि सीन में ही ऑलवेज गिव यू स्पेस, हमेशा वो ट्राई करेंगे कि हम दोनों सीन को एलिवेट कैसे कर सकें, आई एम वेरी गिविंग गॉड से। और डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप?
साबिर सर मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने अभी तक एक्शन फिल्म डायरेक्ट किया है, ये अद्भुत जो है मेरे ख्याल से कुछ सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में उसको थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट्स भी उसमें। पर साबिर सर के बारे में ये कहूंगा कि बहुत लविंग डायरेक्टर है, अपने एक्टर्स को बहुत बहुत प्यार देते हैं। आप जब आप साबिर सर के सेट पे हैं आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो जजमेंटल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते काम के अंदर कर, वो आपको इंकरेज करेंगे। जैसे हर दिन सेट पे जाने से पहले वो हर दिन हमारे बैन में आते थे, हमको एक पैप टॉक देते थे कि चलो आज हम करेंगे ऐसे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ही इज अ वेरी लविंग डायरेक्टर। आपके फादर की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं उस चीज़ को, या कोई रीमेक फिल्म आप करना चाहेंगे अपने फादर की, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में जी। ऑनेस्टली मैं कहूँ ये कहूँगा कि मुझे रीमेक उनकी फिल्म को रीमेक नहीं करना है। जो फिल्म उन्होंने की है उनके जो परफॉर्मेंस है वो एक मेरे लिए एटलीस्ट परफेक्ट है जैसे हैं। पर उनके बहुत सारे फिल्म हैं जो मुझे पसंद है। अनुराग एक फिल्म है जो शक्ति सामंतन साहब की फिल्में बहुत पसंद है, बेमिसाल ऋषिकेश मुखर्जी की। घर भी बहुत पसंद है जो लेट 80s में आई थी। अनुरोध जो आज भी मुझे लगता है एक टाइमलेस कहानी जो जिसके बारे में अगर किसी को रीमेक भी करना है, और काफ़ी ऐसे रीमेक्स हुए अनुरोध फिल्म के जैसे, तो पर मुझे पर्सनली रीमेक मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई थिंक हिज परफॉर्मेंस आर परफेक्ट। आप मतलब हम देखते हैं कि 80s की जो भी फिल्में थी जिसमें काम किया वो सब टॉप एक्टर्स के साथ काम किया, बट कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस हम मतलब ऐसा नहीं देख रहे थे कि मतलब कि थोड़ा सा कम होता है ना, एकदम टक्कर के काम किया। और उन्होंने कभी मतलब कि इतनी मल्टी स्टार फिल्म भी की तो भी उन्होंने जो है कभी ये नहीं सोचा कि मतलब कि क्या कि ये एक्टर बड़ा एक्टर है कि क्या है, और हमेशा उनके परफॉर्मेंस को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आई थिंक उस ज़माने में 70s एंड 80s को लेके आई थिंक बॉलीवुड का एक स्वीट स्पॉट जो हम बोलते थे, जहाँ हर एक एक्टर का, हर एक परफॉर्मर का, हर एक आर्टिस्ट का एक अलग पर्सनैलिटी था। एवरी एक्टर इन देयर स्पेस दे वुड शाइन। तो ऐसे कॉम्पिटिशन उतना नहीं था, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डिस्टिंक्ट थे दैट सबके लिए जगह था, सबके लिए एक स्पेस था स्क्रीन पर। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी फिल्म जिसको आप करना चाहेंगे या आपको मौका मिलेगा आप करना चाहेंगे अभी? हाँ ऑनेस्टली ऐसे कुछ पर्टिकुलर फिल्म नहीं है, पर मैं ये बस ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी कैरेक्टर मुझे मिले वो अच्छी तरह से दे रिटन द कैरेक्टर, एक अच्छा ग्राफ है कैरेक्टर का, और एक राइटिंग में एक सोच है कि ये कैरेक्टर या इंसान कौन है। आपको लगता है कि अगर आपके फादर जिंदा रहते तो आपका एक अलग ही लॉन्च होता है, या कुछ ऐसा कभी लगता है आपको? शायद पता नहीं, शायद ऐसे होता, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है आई थिंक अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? आप प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट मी, योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग फॉर मी। आपने जितना मुझे प्यार दिया है I think about it every single day, and I promise ki I'll keep doing my best.